दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो S1 के बारे में। और इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हो या तो कोई भी ऐप YouTube ओपन करते हो तो आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, इधर जो है मैंने कैमरा ऑन कर लिया, जैसे ही एक दो फोटो में क्लिक करूँगा तो मोबाइल जो है डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाता है और मोबाइल जो है फिर रीस्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, अभी जो है मैं कर रहा हूँ, आपको देख रहा है। देखिए दोस्तों, मैं कैमरा उठाता हूँ और देखते हैं कब जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम होता है, देखिए रीस्टार्ट भी हो गया, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम होता है तो आप अगर किसी भी रिपेयरिंग शॉप लेके जाते हो तो वो बोलेगा कि आपका मोबाइल का बैटरी खराब हो चुका है। लेकिन मैं आपको इस बैटरी को रिपेयर करके दिखाऊंगा और बिना बैटरी चेंज किए आप इसको आराम से चला सकते हो। कोई बैटरी खराब नहीं हुआ है, बैटरी का एक कंपोनेंट खराब हुआ है जो कि आपको ओनली जम्पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं पहले मोबाइल खोल लेता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने जो है मोबाइल खोल लिया और आपको बैटरी कनेक्शन खोल लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या करना है मैं जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको ट्राई करना है और आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो सके तो आप बैटरी को इधर से खोल भी सकते हो या तो बिना खोले भी कर सकते हो। बिना खोले थोड़ा सा हो सके कि थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि बिना खोलने से बैटरी ज़्यादा ख़राब होता है मुझे जितना लगता है, क्योंकि इसको जब निकालोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको ऐसे करके भी आराम से बना सकते हो बिना खोले। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाले हो तो आराम से इसको आराम से ऐसे करके रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इधर देख सकते हो दोस्तों एक कंपोनेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब वीडियो में आखिरी तक बने रहे, दूसरा आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा दूंगा क्या करना है क्या नहीं। और आराम से इसको आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप में लेके ठीक करा सकते हो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, इधर एक आपको कंपोनेंट दिख रहा होगा, ये जो कंपोनेंट है इधर, ठीक है, LK लिखा हुआ है। आपको इधर से इधर तक ओनली जंपर लगा लेना है। मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं। देखिए जंपर वायर लिया, आराम से इसको जंपर लगा लेना है, दूसरा आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखते रहना, तभी जाके आप भी आराम से इसको कर सकते हो किसी भी अच्छा रिपेयरिंग शॉप में, या तो अगर आपका पहचान वाला कोई है तो आप उसके पास लेके आराम से ये काम जो है करा सकते हो। 100-200 रुपया लेगा और आपका मोबाइल का बैटरी बिना चेंज किए ये जो प्रॉब्लम का सलूशन है आराम से हो जाएगा। तो जंपर लग गया दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे जंपर हुआ। देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है तो ये जगह में दिख रहा है दोस्तों, इधर से इधर तक मैंने जंपर लगा लिया। और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे बैटरी था वैसे ही उसको फिक्स कर देना है। इसका जो कवर है ऐसे लगा देना है, इसको आराम से ऐसे मोड़ देना है, बस इसको बैटरी को फिक्स करना है और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने लगा दिया, अभी हम लोग मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है ठीक हुआ कि नहीं। देखते सो मोबाइल ऑन हो रहा है, तो थोड़ा देर हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि मोबाइल ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल है जैसे कि Poco X3, Poco X3 Pro या तो Redmi 9 Power, जिसका कि प्रॉब्लम आप ठीक नहीं कर पा रहे हो और यह तो बहुत ज़्यादा पैसा बोल रहा है, तो आप हमें कुरियर करके भी अपना मोबाइल को ठीक करा सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो का आखिरी में दे दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके मुझे डायरेक्ट अपना मोबाइल को भेज सकते हो। अगर नियर बाई रहते हो, मैं भद्रक उड़ीसा में रहता हूँ, अगर नियर बाई रहते हो तो आप आके अपना मोबाइल को खुद आके रिपेयर करके लेके जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम कैमरा ओपन करते हैं और मैं आपको पीछे का कैमरा, सामने का कैमरा, देखिए फ्रंट कैमरा अभी ओपन है और मैं जो है फ़ोटो 10-12 खींच लेते हैं कोई भी मोड में। ठीक है दोस्तों, इधर हम लोग फोटो मोड में जाते हैं, फोटो मोड में गए तो अभी जो है स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। मैं फ्रंट कैमरा भी किया था, पहली बार मैंने जब फ्रंट कैमरा ऑन किया
तभी जाके मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था। अभी देख सकते हो दोस्तों इतना सारा फ़ोटो मैंने खींच लिया लेकिन अभी भी कोई स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। तो हमारा मोबाइल जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको ऐसे करके अपना मोबाइल को ठीक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।